गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने दो कंडीशन पढ़ ली थी। इसकी कौन कौन सी? एक तो केंद्र पर जब x बराबर जीरो है, और दूसरा त्रिज्या के बराबर दूरी पर जहां x बराबर कैपिटल R है। अब जो तीसरी कंडीशन है वो है x का मान R बटे दो। R बटे दो का मतलब त्रिज्या से आधा, त्रिज्या से आधी दूरी पर अगर बिंदु P है। प्लस माइनस दोनों क्यों लिए? प्लस माइनस दोनों इसलिए लिए कि ये मान लो वृत्ताकार कुंडली है, इस वृत्ताकार कुंडली की ये पूरी अक्ष है, ये बीच की अक्ष है, और इस अक्ष में यहां पर भी बड़ा इसके इधर भी और इसके इधर भी, दोनों तरफ इस कुंडली के इस बिंदु पर त्रिज्या से आधी दूरी पर, त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर है तो केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, और इस केंद्र के इधर भी 2 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है ना, दोनों तरफ एक एक जो इधर x की तरफ आएगा वो प्लस हो जाएगा, माइनस x की तरफ जाएगा वो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो x का मान लिया है प्लस माइनस r बटे दो, ये इस कुंडली के दोनों तरफ है, इधर भी और इसके इधर भी, ठीक है। तो दोनों कुंडलियों पर बराबर दूरी पर और त्रिज्या से आधी दूरी पर मान कितना होगा, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, केवल हमारा जो मूल सूत्र था यहाँ पर x था। देखिए मूल सूत्र हमारा क्या था, ये था ना समीकरण नंबर 4, यहाँ x स्क्वायर लिखा हुआ है, इस x की जगह आपको r बटे 2 करना है। आप यहाँ पर माइनस आर बटे दो करोगे तब भी प्लस में आएगा क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, और प्लस या माइनस दोनों के लिए प्लस में ही आएगा, ठीक है ना। माइनस करोगे तब भी प्लस में आएगा, प्लस वाला करोगे तब तो प्लस में आएगा ही, स्क्वायर का मान दे रखा है इसलिए। तो इस एक्स की जगह आपको क्या लिखना है, आर बटे दो, तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बटे चार, वो चाहे प्लस में आए चाहे वो माइनस में आए, दोनों के लिए आपको लिखना है मान। तो यहाँ देखिए, यहाँ x स्क्वायर था अभी भी मैंने आपको दिखाया, तो उसकी जगह हमने r बटे दो का स्क्वायर किया तो कितना जाएगा, r स्क्वायर बटे चार। इसको लघुतम लेके सरल करोगे तो यह जाएगा 5 r² / 4। ऊपर वाली राशि वैसी की वैसी रहेगी, ऊपर वाली राशि में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। और यह जाएगा 3/4। इसको सरल करोगे 5/4 की घात 3/2, तो क्या जाएगा 5/4 √5/4 लिख सकते हैं ना। यहां थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहां देखें 5/4, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये अंडर रूट 5/4, ये कर सकते हैं लेकिन कुछ बच्चे मान लो जिनको नहीं आ रहा, 5/4, ठीक है। तो यह आ जाएगा 5/4 × √5 बटे दो, ठीक है। तो यहां पर इस 5/4 की जगह क्या जाएगा, 5/4 × √5/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ना, ठीक है। और ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, ये वाला 4 जो है वो पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके यहां आ जाएगा। यहां पर 2 काटा नहीं है, 2 यही रखा हुआ है, नहीं तो 4 ही आता ऊपर। इस 2 से अगर इस 8 को काट दे, इसको देखिए क्या क्या, 4 × 2 8 हो गया, 8 को पलट दिया ऊपर, इसको काटा क्यों नहीं, क्योंकि ये केंद्र का सूत्र है,
केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना है, इसलिए इसको निकटा, ठीक है ना। और ये जो इसकी जो वैल्यू है 8/5 अंडर रूट 5, इसकी वैल्यू होती है 0.716, और ये सूत्र किसका आ गया, केंद्र का आ गया। तो यहां इसको आपको काटना नहीं है, 4 को 2 से गुणा करके 8 तो ऊपर पलट जाएगा और 5 अंडर रूट 5 यहां आ जाएगा, ये 5 अंडर रूट 5 आ गया, ठीक है। तो ये आप बी केंद्र लिख सकते हो, तो केंद्र का कितना गुना हो गया, 0.716 गुना होगा, कहां पर, त्रिज्या से आधी दूरी पर, ठीक है। हमने तीन तीन चीजें निकाली, कहां कहां, केंद्र पर, केंद्र पर करने के लिए हमने x का मान क्या कर दिया था, 0, x बराबर 0 किया था। फिर हमने दूसरी कंडीशन ये वाली पढ़ी थी, जब x बराबर r हमने किया था तब हमने ये निकाला था। और तीसरी कंडीशन हमने क्या किया था, x का मान प्लस माइनस r बटे 2, त्रिज्या की आधी दूरी पर हमने किया था, तब इसका मान आया था 0.716 गुणा केंद्र पर। ये केंद्र तो यही सबका सबके लिए है, ये तो केंद्र का मान आए, यहाँ पर भी ये फॉर्मूला आ रहा था, ठीक है ना। यहाँ देखिए हमने किया था ये वाला, इसके जगह हमने बी केंद्र लगा दिया, तो ये तीनों मान हमारे पास में प्राप्त हुए हैं। तो दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन वक्र, अब अगर अपन इसका दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसका अगर हम आरेख प्राप्त करें, तो वो आरेख ऐसा प्राप्त होगा, ये केंद्र पर एक्स का मान जब 0, ये लाइन एक्स को शो कर रही है और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, तो एक्स का मान जब 0 होगा तब केंद्र आएगा, तो केंद्र पर इसका मान सबसे ज्यादा होगा। आप इन तीनों सूत्र से देख सकते हैं, देखिए एक से छोटी संख्या है ना, एक से छोटी है, ये भी एक से छोटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों संख्या जो है, ये तो जो दोनों मान है ये छोटे होंगे किससे, केंद्र से। केंद्र पर बी मैक्सिमम प्राप्त होगा, अधिकतम प्राप्त होगा, बी का मान सबसे ज्यादा आएगा। तो केंद्र पर अर्थात एक्स बराबर 0 जब होगा तब बी का मान सबसे ज्यादा यहाँ, ठीक है। उसके बाद यहां से इधर चले ए बटा 2 या आर बटे 2, हमने आर ले रखा है यहाँ पर, त्रिज्या ले रखे तो यहाँ आर आ जाएगा, तो आर बटे 2 मतलब त्रिज्या से आधी दूरी पर यहाँ पर, और त्रिज्या के दूसरी तरफ, मैंने बताया ना कि वृत्ताकार जो हमने लिया इसके इधर भी और इसके इधर भी, दोनों तरफ हमने बिंदु ले रखे हैं, और केंद्र पर जो इसका मान है वो सबसे ज्यादा होगा, तो प्लस की तरफ आएगा, तो मान लो यहाँ ये बिंदु प्राप्त हुआ, बी का मान यहाँ आ रहा है, और माइनस वाला लिया मतलब दूसरी तरफ अगर लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान मान लो यहाँ आ रहा है, तो ये हमने दो बिंदु लगा दिए P1 और P2, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ ये बात भी देख सकते हैं, आरेख में आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये ऊपर की ओर मुड़ रहा है, ना, यहाँ भी इधर वक्र आ रहा है, मतलब ग्राफ ग्राफ में मुड़ाव आ रहा है, सीधी रेखा नहीं है। लेकिन आप देखोगे P1 और P2 बिंदु के आसपास, P1 और P2 बिंदु के आसपास ये रेखा सीधी प्राप्त हो रही है, देखो यहाँ पर भी ये रेखा सीधी है और यहाँ पर भी ये रेखा सीधी है। सीधी रेखा को प्राप्त होती है जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी बढ़े, या एक राशि के कम होने पर दूसरी भी कम हो, ठीक है ना। या अपन यो कहें कि जो परिवर्तन है दूरी के साथ में चुंबकीय क्षेत्र का जो परिवर्तन है वो कांस्टेंट है, कम या ज्यादा नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया, फिर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो परिवर्तन हो रहा है वो नियत है, कांस्टेंट है, मतलब dB/dx परिवर्तन अंतर, dB/dx का जो मान है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा, परिवर्तन नियत आ रहा है। एक राशि के बढ़ने पर दूसरी बढ़ रही है, एक राशि के कम होने पर दूसरी कम हो रही है, एक राशि के कम होने पर दूसरी बढ़ रही है, लेकिन उसका जो बढ़ना या कम होना एक कांस्टेंट दर से हो रहा है, एक नियत दर से हो रहा है। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया, बहुत ज्यादा कम हो गया, बहुत ज्यादा ज्यादा हो गया, ऐसा परिवर्तन नहीं हो रहा।
तो ये P1 और P2 जो दो बिंदु हैं, इनको अपन क्या कहते हैं, नति परिवर्तन बिंदु। क्या कहलाते हैं? नति परिवर्तन बिंदु कहलाते हैं। कौन से बिंदु? P1 और P2 बिंदु। समझ आ गया? कहां पर है ये? त्रिज्या से आधी दूरी पर, केंद्र से त्रिज्या से आधी दूरी पर है। तो ग्राफ से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। देखिए, स्पष्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र का सर्वाधिक मान कुंडली के केंद्र पर होता है। ये तीनों सूत्रों से स्पष्ट हो रहा है कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे ज्यादा है तथा दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र में कमी आती है। जैसे जैसे केंद्र से दूर जा रहे हैं, चाहे वो धनात्मक की तरफ जाए चाहे वो दूसरी तरफ जाए, धीरे धीरे क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी आ रही है। देखो, यहां से चुंबकीय क्षेत्र का मान धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो रहा है। इसी प्रकार इधर भी दूरी बढ़ने के साथ साथ दूरी दूसरी तरफ बढ़ रही है और चुंबकीय क्षेत्र का मान धीरे धीरे कम हो रहा है। अतः यदि चुंबकीय क्षेत्र बी का वक्र खींचे तो वह निम्नानुसार प्राप्त होता है। ये हमने देख लिया चित्र, वक्र से स्पष्ट है कि अब आरेख से क्या स्पष्ट हुआ, P1 में P बिंदु पर सरल रेखीय वक्र प्राप्त होता है। P1 में P बिंदु, ये वाले दोनों बिंदु, P1 में P बिंदु पर सरल रेखीय वक्र, सरल रेखा में मैंने बताया ना, यहाँ से जाते को सरल रेखा प्राप्त हो रही है, यहाँ से यहाँ पर सरल रेखा प्राप्त हो रही है, मुड़ाव नहीं है, मुड़ाव नहीं है वक्र। इन बिंदुओं को हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। कौन से बिंदु? P1 में P2। और कहाँ पर है वो? त्रिज्या से आधी दूरी पर। ठीक है, क्या कहलाते हैं? नति परिवर्तन बिंदु कहलाते हैं, जहां पर दूरी व चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफ एक सरल रेखीय वक्र प्राप्त होता है, वे बिंदु नति परिवर्तन बिंदु कहलाते हैं। या परिभाषा दे सकते हो, क्या परिभाषा दोगे? जब दूरी व चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफ खींचा जाता है तो उस ग्राफ में जिन बिंदुओं पर परिवर्तन जो है वो, जिन बिंदुओं पर आरेख सरल रेखीय प्राप्त होता है, सरल रेखीय वक्र प्राप्त होता है, वे बिंदु क्या कहलाते हैं? नति परिवर्तन बिंदु कहलाते हैं। और इन बिंदुओं के लिए चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन है दूरी के साथ वो नियत होता है, कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, नति परिवर्तन बिंदुओं के लिए आवश्यक शर्त है, क्या शर्त है? db बटा dx बराबर कॉन्स्टेंट। ये मैंने आपको बताया ना अभी, परिवर्तन जो है वो नियत हो रहा है, कॉन्स्टेंट है, db बटा dx नियत है। ठीक है, अब इसका हम अगर एक बार और अवकलन करें, दोबारा अवकलन किया इसका, तो किसी भी नियत राशि का जो अवकलन किया जाता है, दोबारा अवकलन किया जाता है तो क्या आएगा? जीरो। तो डी टू बी बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या जाएगा? जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट का अवकलन क्या होगा? जीरो। ये हमने पढ़ रखा है ग्यारहवीं क्लास में। तो यह आ जाएगा डी टू बी बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। तो ये दो शर्तें हैं नति परिवर्तन के लिए, एक तो दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन नियत होना चाहिए और दोबारा अवकलन करने पर वो मान नियत है तो निश्चित रूप से क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ये नति परिवर्तन की आवश्यक शर्तें हैं, नति परिवर्तन बिंदु की परिभाषा हो गई, हमने दूरी उसमें ग्राफ खींच लिया। तो ये अक्ष पर जो तीव्रता है वो मैंने आपको पहले भी बताई थी, इम्पोर्टेंट है, और मैं दोबारा कह रही हूँ कि कुंडली के वृत्ताकार, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कंडीशन अगला पूछेगा तो ये आपको करना है, नहीं तो कंडीशन आपको नहीं करनी, आपको लास्ट फॉर्मूला निकालना है। अगला लास्ट में कंडीशन देगा, केंद्र पर निकालो, त्रिज्या के बराबर दूरी पर निकालो, त्रिज्या से आधी दूरी पर निकालो, तब आपको बताना है और ग्राफ भी आपको बनाना है। ठीक है, नति परिवर्तन बिंदु की परिभाषा कुछ है तो आप दे सकते हो, अन्यथा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी पर आधारित है, हमने जो ये पढ़ा इसी पर आधारित है, हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां। हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां, हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां क्या होती हैं? हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां वे कुंडलियां हैं, जैसे ये हमारे पास में कुंडली है,
ऐसी एक उंगली और सेम ऐसी इतनी त्रिज्या की फेरों की संख्या भी बराबर हो, ठीक है, उसको अपन यहाँ रखते हैं। मेरे पास दूसरी कुंडली है नहीं, अपन यू ही मान लेते हैं। तो ये कुंडली और एक ये कुंडली, ठीक है ना, दोनों को हमने कुछ डिस्टेंस पर रखा। कितने डिस्टेंस पर रखा? इसकी त्रिज्या के बराबर। ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर की कुंडली है हमारे पास में, तो इधर वाली भी कुंडली कितनी होनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और दोनों के बीच की दूरी भी कितनी होनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। त्रिज्या के बराबर दूरी पर अगर दोनों कुंडलियां रखी हुई हैं और दोनों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है, इस कुंडली में अगर इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है तो दूसरी कुंडली में भी इधर ही धारा प्रवाहित हो, समान दिशा में धारा, धारा का मान समान, समान दोनों कुंडलियां हैं, दोनों की त्रिज्याएं समान है, दोनों कितनी दूरी पर रखी हुई है? त्रिज्या के बराबर दूरी पर रखी हुई है। तो ऐसी कुंडलियां क्या कहलाती हैं? हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां कहलाती हैं, ठीक है, जिनके अक्ष भी समान हो, अक्ष भी समान होने चाहिए इनके, समान अक्ष पे, ये अक्ष भी समान है दोनों का, एक ही अक्ष पर वृत्ताकार कुंडलियां होनी चाहिए, एक ही अक्ष पर होनी चाहिए, अक्ष भी दोनों के बराबर होनी चाहिए, दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? त्रिज्या के बराबर, दोनों की त्रिज्याएं बराबर होनी चाहिए, धारा की दिशाएं दोनों में समान प्रवाहित होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी कुंडलियां क्या कहलाती हैं? हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां कहलाती हैं। देखिए क्या परिभाषा है, किसे कहेंगे? दो समाक्षीय, समाक्षीय मतलब जिनका अक्ष समान हो, एक ही अक्ष पर हो, समान कुंडलियां, समान कुंडलियां मतलब जिनकी त्रिज्या बराबर है, एक ही धातु की बनी हुई है, फिर उनकी संख्या समान है, सब कुछ समान होना चाहिए, ठीक है, जिनमें समान धारा समान दिशा में, समान धारा समान दिशा में प्रवाहित होनी चाहिए। इसमें 5 एम्पियर है तो इसमें भी 5 एम्पियर, ठीक है, इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें भी क्लॉकवाइज, समान दिशा समान धारा, समान धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, कि वह व्यवस्था जिसमें कुंडलियों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्या के तुल्य होती है, दोनों कुंडलियों के बीच की जो दूरी है इसके बराबर, उनकी त्रिज्या के बराबर, ये 4 सेंटीमीटर है तो इन दोनों के कुंड केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए और दोनों समांतर रखे हुए होने चाहिए, समांतर कुंडलियां होनी चाहिए। पता चल गया हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां किसे कहते हैं? पता लग गया, समान कुंडलियां दो, धारा का मान समान, धारा की दिशा समान, समाक्षी होनी चाहिए, एक अक्ष पर होनी चाहिए दोनों कुंडलियां, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? कुंडलियों की त्रिज्या के बराबर। तो समझ में आ गया, ये कुंडलियां क्या कहलाती हैं? हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां कहलाती हैं। यह समचुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने की युक्ति है। अब यहां एक नंबर का प्रश्न बन सकता है क्या, कि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों का उपयोग क्या है? तो ये उपयोग क्या है इसका, कि कहीं पर हमें अगर समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है तब हम हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों का उपयोग करते हैं। तो हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के द्वारा क्या होता है? समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है, ठीक है। यदि कुंडलियों का मध्य बिंदु P हो तो P बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दोनों कुंडलियों के चुंबकीय क्षेत्र के योग के तुल्य होता है। देखिए मैं चित्र बता दूं आपको, ये चित्र है, दोनों में धारा की दिशा समान है, इधर से धारा प्रवेश कर रही है, इसमें भी यहाँ से धारा प्रवेश कर रही है, ये धारा की दिशा ऊपर की ओर, ये इधर से आ रही है, इसमें भी यहाँ ऊपर की ओर इधर से आ रही है, इसमें जो त्रिज्या दे रखी है वो ए ले रखी है, यहाँ भी त्रिज्या ए है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी भी देखो ये है, ये दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ओ वन और ओ टू के बीच की दूरी ए है, तो ये बिंदु दोनों केंद्रों से कितनी दूरी पर होगा? ए बटा दो होगा ना, त्रिज्या की आधी दूरी, ये भी त्रिज्या की आधी दूरी। अब देखिए अपन वापस थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, किसी भी वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर त्रिज्या से आधी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है ये हम ज्ञात कर चुके, तीन कंडीशन पढ़ी थी ना, केंद्र पर,
त्रिज्या के बराबर दूरी पर और त्रिज्या की आधी दूरी पर। तीनों के लिए हमने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था ना, केंद्र पर, त्रिज्या के बराबर दूरी पर और त्रिज्या की आधी दूरी पर। तो वो आधी दूरी वाला सूत्र यहां लगाना है। देखिए इस केंद्र से इस बिंदु की दूरी कितनी है, ए बटा दो, मतलब त्रिज्या की आधी दूरी। और इस बिंदु से दूसरी वाली कुंडली के केंद्र से इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, वही त्रिज्या के आधे के बराबर होगा, होगा ना, जो आधा वाला आपने निकाला था। तो यहाँ पर इनके कहने का मतलब ये है कि इस बिंदु पर, इन दोनों कुंडलियों के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वो दोनों कुंडलियों के चुंबकीय क्षेत्र का योग के बराबर होगा। और चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा कितना, जो हमने पीछे कंडीशन पढ़ी थी, ये वाली कंडीशन 0.716 गुणा केंद्र, और पीछे चलूं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा आधी दूरी वाला। बात समझ आ गई क्या सबके, ये वाला सूत्र लगेगा 0.716 बी केंद्र प्लस 0.716 बी केंद्र योग के बराबर होगा, दोनों दो कुंडलियां ले लेने इसलिए। देखो यहाँ पर दोनों को जोड़ा क्यों, वो जोड़ा इसलिए कि यहाँ मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस, एक कुंडली के इधर और दूसरी कुंडली के इधर प्लस माइनस हो गया ना, एक में प्लस लेंगे दूसरे में माइनस। इस वाली कुंडली के लिए तो प्लस आएगा, इस वाली कुंडली के लिए इधर चल रहे तो माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पर हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो प्लस ही बन जाता है, इसलिए योग आएगा दोनों का। यहाँ देखिए बी एक्स का मान आठ बटे दो प्लस एक्स का मान माइनस आठ बटे दो, एक कुंडली के लिए माइनस आएगा और एक के लिए प्लस आएगा, इस कुंडली के लिए, इधर वाली के लिए तो प्लस और इधर वाली कुंडली के लिए माइनस, ठीक है। ये वाला सूत्र हमने यहाँ पर लगा रखा है, ये वाला ठीक है। अभी डेरिवेशन करेंगे तो वही आएगा, वापस रिपीट कर रखा है केवल। एक्स का मान कितना लिख दिया, आठ बटे चार, सॉरी आठ स्क्वायर बटे चार, यहाँ भी आठ स्क्वायर बटे चार, आठ बटे दो का स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, और दोनों देखो एकदम सेम है तो जुड़ जाएंगे, और ये जुड़कर सीधा सोल्व करके लिख दिया आगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये दो हट जाएगा, इसको सोल्व किया हुआ है पीछे, वही संख्या आ रही है ये वाली 0.716 बी केंद्र, ठीक है। दो से गुणा कर देंगे तो 1.432 बी केंद्र, मतलब कि केंद्र पर दोनों हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, केंद्र का 1.432 गुना होता है, कितना होता है, ज्यादा होता है, मतलब केंद्र पर मान कितना होगा, दोनों के मध्य बिंदु पर मान कितना होगा, केंद्र पर जितना मान होता है किसी भी कुंडली के केंद्र पर जितना भी मान है उसका कितना गुना, 1.432 गुना होगा, मतलब ज्यादा प्राप्त हो रहा है। स्पष्ट है कुंडलियों के मध्य क्षेत्र में लगभग एक समान चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है जो केंद्र का 1.432 गुना होता है, अतः हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने की एक युक्ति है, दोनों कुंडलियों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र का मान बिल्कुल समान आएगा। अब हमारा जो अगला बिंदु है वो है परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। परिमित लंबाई का मतलब क्या हुआ, एक निश्चित लंबाई लिमिट होती है, एक तो था अनलिमिटेड अपरिमित, परिमित और अपरिमित हमने उसके नियम में भी पढ़ा था, पता था परिमित मतलब लिमिटेड लंबाई है, सीमित लंबाई, और असीमित लंबाई कितनी भी हो सकती है, हमें हम जिसको नाप नहीं सकते वो होता है अपरिमित, ठीक है। सीधे धारावाही चालक तार, सीधा तार है, धारावाही चालक तार है, ठीक है, कोई भी चालक तार ले लो, ये चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर की ओर,
परिमित लंबाई है, लिमिटेड है लंबाई, इतनी लंबाई है, ठीक है। तो यहां पर के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है किसी भी बिंदु पर। यहां पर कोई बिंदु ले सकते हैं, माना एक्स वाई कोई परिमित लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है, ये एक्स और ये वाई है, ये परिमित लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर की ओर। चालक से ए दूरी पर बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये हमने ए दूरी ले ली, चालक तार से ए दूरी पर, यहाँ पर इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये दूरी कितनी है, ए। बिंदु ओ से एल दूरी पर स्थित एकलकांश डीएल की कल्पना करते हैं। बिंदु ओ ये, बिंदु ओ से एल दूरी पर, ये दूरी एल है, इस एल दूरी पर हम यहाँ पर कोई भी अल्पांश ले लेते हैं, हमने छोटा सा एक टुकड़ा ले लिया डीएल लंबाई का, ठीक है। इससे कितनी दूरी पर, एक्स दूरी, सॉरी एल दूरी पर, ये एल दूरी है, ये क्या है, ए है, यहाँ बिंदु पी है, यहाँ पर एक अल्पांश ले लेते हैं। यदि यह बिंदु पी, यह बिंदु पी, ये वाला बिंदु P से स्मॉल r दूरी पर स्थित हो तो बायस आवर्त के नियम से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हमने जो यहाँ पर अल्पांश माना, इस अल्पांश की ये वाली जो दूरी है ये r है, ये कितनी है r, येलो वाला पेन जो है वो r दूरी पर है, यहाँ ये वाला जो सिरा है वो dl लंबाई हमने जो मानी थी वो है, काला वाला जो पेन है वो a है, और ये नीला वाला जो पेन है वो L है। यहाँ पर देखो सही खत्म हो रही है ना, वहां पर ने डीएल लंबाई का माना है, तो ये वाली लंबाई L है, समझ रहे होंगे आप, ठीक है ना। और येलो और ब्लैक के बीच में ये वाला जो एंगल है वो मान लो फाई है, कितना है फाई कोण, ये वाला कोण हमने फाई ले रखा है, ये बीच वाला कोण, समझ में आ गया सबके, बिल्कुल सिंपल डायग्राम दिखा रखा है। डायग्राम में और भी कुछ बातें दिखा रखी हैं, लेकिन आप इतना देखोगे, ये x और ये y, ठीक है, ये एक लंबा तार है, सीधा तार है, जिसका ये O बिंदु है, इस O बिंदु से A दूरी पर बिंदु P है, ठीक है, और बिंदु O से L दूरी पर हमने एक अल्पांश लिया, ये AB, ये DL लंबाई का AB अल्पांश ले लिया, ठीक है। इस अल्पांश से ये दूरी आ रहा है बिंदु P की दूरी, तो आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है O A P, O A P, इसका मध्य बिंदु भी ले सकते हो, AB का मध्य बिंदु, DL बहुत छोटा है, बहुत अल्प है, तो इन दोनों का मध्य बिंदु ले सकते हो आप यहाँ पर, तो ये वाला एक हमें समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है ना, जिसमें आधार कितना है A, कर्ण कितना है R और लंब कितना है L, ठीक है। बायस आवर्त का नियम आप जानते हैं कौन सा लगेगा चुंबकीय क्षेत्र के लिए, ये बायस आवर्त का नियम है। बायस आवर्त के नियम में चार चीजें मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपकी याद हो जाए, धारा, डीएल लंबाई, साइन थीटा और आर। इसे तो छोटा है, ये तो व्युत्क्रमानुपाती होगा, दूरी के तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन तीनों के समानुपाती, तो ये याद रखना है आपको। और ये के का मान आई गई आपके, तो यह आ जाएगा आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, और ये म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ये के का मान है, ये बायस आवर्त का नियम है ये आपके, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये थीटा कोण है, ये थीटा कोण है और ये फाई कोण है, ये थीटा और ये फाई है, ये 90 डिग्री है, तो थीटा का और फाई का कोण, क्योंकि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें से ये 90, तो थीटा और फाई इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा और फाई इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ फाई वन नहीं लेना आपको, फाई लेना, ये कोण फाई है, फाइव वन फाइव टू, ये पूरा ले रखा है, ये फाइव वन है, नीचे वाला फाइव टू, ये दोनों कोण अलग ले रखे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल ले रहे हैं अपन, ये कितना है फाइव कोण है, तो फाइव और थीटा इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री,
तो यहां आप लिख सकते हैं त्रिभुज में थीटा प्लस फाइव बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना जाएगा, 90 माइनस फाइव हो जाएगा। तो यहां जो थीटा कोण लिख रखा है हमने, साइन थीटा बराबर कितना जाएगा, साइन 90 माइनस फाइव, 90 माइनस फाइव किसके बराबर होता है, कोस फाइव के बराबर होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया ये, तो यह जाएगा कोस फाइव के बराबर। तो जहां साइन थीटा लिखा हुआ है वहां हम क्या लिख देंगे, कोस फाइव, यहां कोस फाइव लिखना है। अब इस फॉर्मूले में आपको कुछ चेंज करना है, कुछ परिवर्तन लाना है, कुछ मान चेंज करना है, किस किस के, एक तो आर का मान चेंज करना है, एक डीएल का मान चेंज करना है, एक साइन का मान, इन तीनों का मान आपको बदलना है, इन तीनों की जगह कुछ मान रखने हैं, और कुछ मान रख कर और फिर हमें टोटल बी ज्ञात करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, बाकी अपन कल पढ़ेंगे, इतना आप पढ़ोगे, इसको याद करोगे और इसके नोट्स बनाओगे। धन्यवाद।